अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शायान सरीन। आज की वीडियो में हम एक ऐसे कारोबार का ज़िक्र करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि वो कारोबार जो पाकिस्तान में हम कहें कि चंद साल पहले ही शुरू हुआ है और अब ये देखते ही देखते लोग इस फील्ड में आ रहे हैं और कमा भी रहे हैं। तो ये कारोबार है जो पार्सल्स होते हैं, इंटरनेशनल पार्सल्स, वो यहाँ आते हैं पाकिस्तान और फिर बल्क की सूरत में ये आगे फरोख्त होते हैं। और इनमें क्या चीज़ें निकलती हैं, इसको मिस्ट्री बॉक्स भी कहा जाता है, यानी कि मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जाता है। तो हमारे साथ ताहिर हैं, जो इस काम के पाकिस्तान में हम ये कहें कि पायनियर हैं, जिन्होंने कुछ साल पहले ये काम शुरू किया और आज इन्होंने इस काबिल हो गए हैं कि ये काम अब लोगों को करवा रहे हैं, अपने पास से सामान देते हैं और लोग इनसे ख़रीद कर अपना रोज़गार चला रहे हैं। क्या है क्या ये कारोबार, कौन से पार्सल्स होते हैं, कहाँ से आते हैं ये और किस तरह इसमें जो सामान निकलता है वो क्या होता है, वो लोगों को पता होता है कि इसके अंदर ये या क्या है? यानी कि हमने तो सुना था ये काम ऐसे होता है कि इसके अंदर क्या है पहले, कि जो भी है मिट्टी सोना वो आपका है जी। तो अब क्या है, ये जो बॉक्स आप खोलने जा रहे हैं ये कहाँ से आया है और इसमें क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ ज़रा बताएं। ये होता ये है कि ये सारा सामान आता है यूके और जर्मनी से। वहाँ पे कुछ ऐसे जो अनडिलीवर्ड पार्सल्स होते हैं, जैसे आपने या हमने किसी बड़े प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ मंगवाई है, वहाँ से वो अनडिलीवर्ड हो गई किसी भी रीज़न की वजह से, वो जाती है उनके वेयर हाउसेज में और वहाँ से लिक्विडेशन कंपनीज़ को जाती है और वहाँ से हम लोग बाय करते हैं और इसको पाकिस्तान इम्पोर्ट करते हैं। वाया दुबई भी होता है और वाया ये डायरेक्ट आता भी है यूके वगैरह से। बॉक्सेस में हम इलेक्ट्रॉनिक इस सामान में सब कुछ आता है, मगर हमारे पास जो होता है ज़्यादातर जो डिमांड होती है वो इन इलेक्ट्रॉनिक बॉक्सेस की होती है। गैजेट्स होते हैं और इतने मज़ेदार इसमें सामान होता है जो आम तौर पे आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिलता नहीं है। और जैसे मैं ये आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ऐसे मैं अपने हर कस्टमर को खोल के दिखाता हूँ। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोज़ होती हैं और वो कहते हैं कि नहीं ये सब फेक है, और आप ख़ुद भी अगर जो भी लेना चाहे इंटरेस्टेड हो वो खुद आके अपना बॉक्स इसी तरह से चेक करके ले जा सकते हैं। ये है जी हमारा एक बॉक्स और किस तरह का इसमें सामान निकलता है, आप ये देखें। इसका बेसिस का एक छोटा सा चार्जर भी लेने जाते हैं तो वो तकरीबन 5-7 हज़ार से स्टार्ट होता है और ये डिवाइस इस वक्त तकरीबन 35 हज़ार रुपये की होगी। ये केजी में मिल रही है आपको पूरा बॉक्स, या आपके बेसिस की चीज़ें आ गई इसमें, आपकी ये स्मार्ट वॉच आ गई, ये आपके एयरबड्स आ गए। क्वालिटी आप चेक करें इसकी, एयरबड्स आपके इसमें निकल आते हैं, ये एक और स्मार्ट वॉच आ गई, ये कोई कवर्स आ गए हैं। ये जी बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, ये ऐसा पावर बैंक है जो धूप से चार्ज होगा। ये आपके नेक का आ गया है एक ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर विद फैन, कि आप यहाँ लगाएं, गाने सुनना चाहते हैं गाने सुने, हवा भी लगती रहेगी आपको, बहुत ज़बरदस्त इसमें ऐसी चीज़ें। आप अगर इसके मार्केट प्राइस चेक करते हैं तो तकरीबन भी 15 से 16 हज़ार रुपये का ये वैल्यूएबल हेडफोन है और हमारे पास ये केजीज में आपको बॉक्स में मिल रहा है। तो जो लोग ये एक बॉक्स कितने का आप दे रहे हैं? 1,28,000 से स्टार्ट है हमारे पास बॉक्स, 1,28,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक के बॉक्स। कितना केजी का है ये? तो 54 केजी है, 2,850 रुपये पर केजी है। मगर यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि अक्सर वीडियोस देख के लोग आते हैं कि आपने 2,850 रुपये केजी बताया था, हमें 2 किलो दे रहे हैं, लेना पूरा बॉक्स होता है। यहाँ पे एक और चीज़ का हम दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि जो सामान आपको दे रहे हैं आपसे लिए गई रकम से ज़्यादा का, 50,000 रुपये ज़्यादा का आप सेल कर सकते हैं, क्लेम कर रहे हैं। कोई अगर कहता है कि नहीं आपसे 1.5 लाख का सामान लिया और इसमें 2 लाख 1.5 लाख का ही सामान निकला है, हमें आप उसी वक्त बॉक्स वापस कर दें, आए चेक करें इसकी वैल्यू चेक करें। ये लीजिए एक्शन कैमरा, ये भी आप मार्केट में लेने जाते हैं तो मेरे ख्याल से 20-22 हज़ार का तो मिलेगा। हम वैसे लोकली और जो हमसे लेके आगे सेल कर रहे होते हैं सर, ये 10 से 12 हज़ार रुपये का सेल करते हैं। यानी कि तो चंद आइटम में ही आपके 1.5 लाख रुपये निकल जाएंगे ये तो। सर मेरे ख्याल से इसमें होते हैं एक बॉक्स में तकरीबन 120 आइटम होते हैं, 120 आइटम में से आप 50 आइटम बेच के अपने पैसे पूरे निकाल सकते हैं, बाकी आपका प्रॉफिट है। इस वक्त 2,500-3,000 5,000 लोग आप सेफ साइड रख लें, 5,000 लोग ये काम पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं,
इम्पोर्ट 2 से 3 लोग कर रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह हम अंबर स्टोर शामिल है यहाँ पे। उसके बाद दूसरे आ जाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में आए हैं और आ रहे हैं। बात सिर्फ इम्पोर्ट करने की नहीं होती, बात होती है आपकी ट्रस्ट की। हम ब्लाइंड पे काम नहीं करते, हमने 2021 में ब्लाइंड ख़त्म कर दिया था। 2021 के बाद से हम आज तक बॉक्स दिखा के देते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप सोच रहे हैं कि किसी कारोबार में हम पैसे डालें और पता नहीं वहाँ लॉस हो जाए, क्या हो जाए। तो इस तरह के जो छोटे मोटे कारोबार है ना, इससे आपको यानी कि कारोबार करने का एक आइडिया भी आएगा और प्रॉफिट आपको होगा। इस तरह फिर आप इस काम को फैलाएंगे, जहाँ यहाँ से ये दूसरे लोगों को ये बॉक्स दे रहे हैं, वो रोज़गार अपना बना रहे हैं, इस तरह वहाँ से फिर एक और ज़रिया बनेगा। तो ये एक छोटे मोटे आइडियाज़ होते हैं, इससे इंसान सीखता है। और ये यहाँ आने का हमारा मकसद भी है ये कि कोई इस तरह का बिज़नेस आइडिया बताया जाए कि लोग जो कहते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में हम काम करें, तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छा कारोबार। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियाँ हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो 2-4 लोग मिलके, एक स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट्स आके 25-25 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये मिला के पूरा बॉक्स लेते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब रख के सेल करते हैं। 30 हज़ार रुपये से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट आइडिया आप करें, 4 दोस्त मिलके भी बाय कर लेते हैं। और बाज़ अवकात जो लोग ये काम कर रहे हैं या शॉप्स हैं जिनकी, वो लोग सर हमसे टनों माल उठाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबको प्रॉफिट होता है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं है। स्मार्ट वॉच की आप क्वालिटी चेक करें, स्मार्ट वॉच एक हम देख रहे हैं, इसकी क्वालिटी भी चेक करें। अभी तक जितनी चीज़ें हमने निकाल ली हैं इस बॉक्स से, अंदाजन कितने पैसे बन गए होंगे? सर हमारे अभी तक हमने 4-5 आइटम में तकरीबन अपने 25 से 30 हज़ार रुपये का सामान निकाल लिया। और ये क्या है? ये मस्कुलर्स के लिए होती है, ये आपके फिजियोथेरेपी वगैरह के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन सही करती है ये मेडिकल। और ये तकरीबन 15-16 हज़ार की मार्केट में मिलती है। और अगर ये वेट के हिसाब से देखी जाए तो जो ख़रीदार है उसको ये 4 हज़ार रुपये की या 4,500 रुपये की, अगर वेट के हिसाब से देखेंगे, पर आइटम के हिसाब से देखते हैं बिज़नेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस बॉक्स में चाहे 50 हज़ार की चीज़ हो या 500 की चीज़ हो, आपको हर आइटम तकरीबन 1,000 से 1,200 रुपये का पड़ता है। ये हमारी ख़वातीन के लिए ऐसा ड्रायर है जो मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। क्या खास है इसमें? इसमें ख़ास बात यह है कि एक बहुत यूनिक ड्रायर है ये, उसकी कॉपी आई थिंक बनी हुई है, उस फॉर्मूले पर बना हुआ है। और ये जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से तकरीबन 30 हज़ार रुपये की ये प्रोडक्ट है। अच्छा, और हम यहाँ पे या हमसे जो लोग लेते हैं जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट 7,000-8,000 रुपये की सेल करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि यार ये मिसिंग पार्सल हमारे हैं, उनके हैं, तो इसको अगर कोई बंदा ये वीडियो देख के समझ रहा है कि ये जैसे कि हेडफोन है, ये किसी ने ऑर्डर किया होगा, वो नहीं ट्रैक हो पाया कंपनी की तरफ से और वो कहीं मिस हो गया, वो फिर वो ऑक्शन हो गया, ये क्या, इसका मुझे समझा दो। सर मैं आपको बताऊं, इस पे कोई डिटेल दिख रही है आपको? कोई भी नहीं है, ये पीछे से भी नहीं आती, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है कि किसी की डिटेल लीक हो जाए तो कोई कैसे कह सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये सारे रिटर्न पार्सल यूके में सेल हुए हैं, पाकिस्तान में अमेज़ॉन नहीं है, ये यूके में सेल हुए हैं। और अगर आपने किसी ने ऑर्डर भी किया होगा तो क्या उसको उसकी पेमेंट वापस नहीं मिली होगी? इंश्योर्ड है, अली एक्सप्रेस से भी आप कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं और आपको नहीं वसूल होती तो आपके पैसे आपको वापस किए जाते हैं। अमूमन तो यहाँ पे COD चलती है, कैश ऑन डिलीवरी, तो किसी का कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में काम हो रहा है, ये इसका नंबर होता है LPN नंबर, जिसको हम कहते हैं लाइसेंस प्लेट नंबर। गूगल पे जाके आप देख लें, अमेज़ॉन खुद कह रहा है कि हमने ये सब कुछ रिमूव करके बेचा है, ये इसका नंबर लिखा है, इससे आप ट्रैक कर लें अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाके। अमेज़ॉन जब आपको कहते हैं कि वो क्लियर कर रहा है, मतलब आपको एक गो अहेड दे रहा है कि बेच सकते हैं, तो फिर हम क्यों रुके? बिल्कुल सही बात है, इससे ज़्यादा क्लियर हो नहीं सकता। जो हम इस तरह की बातें सुनते थे कि ये पोस्ट ऑफिस में आया, वहाँ कस्टम ड्यूटी किसी ने पे नहीं की तो वहाँ पड़ा रहा, ये पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं है, है ही नहीं इसका, ना पोस्ट से ताल्लुक है ना कोई इदारों से ताल्लुक है इसका, ये आता है डायरेक्ट, ऑक्शन होती है और ऐसे जो ख़रीदार हैं जो बल्क की सूरत में ख़रीदते हैं और फिर इसको यहाँ पे लाके बॉक्सेस की सूरत में आगे बेचते हैं, इन्हें प्रॉफिट होता है, फिर आगे जो इनसे ख़रीदता है वो उन्हें भी प्रॉफिट होता है। इतना सिंपल फार्मूला है इस काम का, और ये इसी तरह सिलसिला चल रहा है, बढ़ रहा है, लोग इसमें जुड़ रहे हैं और कमा भी रहे हैं। तो एक चीज़ इसमें ये है कि इसमें लॉस कम है, मुझे जो लगता है इन्वेस्टमेंट कम में आप काम कर सकते हैं और नुकसान इतने नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं आप किसी को भी देंगे, कहीं भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे, कोई ना कोई आपको ख़रीदार मिल जाएगा, बल्कि नहीं मिलेगा तो आप मार्केट में भी जाके किसी को
दे सकते हैं। तो ये काम पूरा समझाने का मकसद ये है थे ये था कि किस तरह इस बिज़नेस में आया जाए और किस तरह ये काम किया जाए। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।